Good morning and greetings to those who are listeners of this meditation time. और सुप्रभात और आप सबका अभिवादन मैं करता हूँ खास रीति से वे जो इस इन मननों से जुड़े हुए हैं. I am Pastor Mathai of Life Spring Assembly, Lucknow. और मैं Pastor Mathai हूँ जो कि Life Spring Assembly कलीसिया के वरिष्ठ पासवान हैं. God bless you today. और परमेश्वर आज के दिन आप सबको आशीषित करे. Remember, in our last meditation, we read from the Gospel according to Saint Mark, chapter 15. और हमारे पिछले मनन में हमने मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय से वचन को पढ़ा. And we are meditating on the ministry of Joseph of Arimathea to Jesus Christ. और हम अध्ययन कर रहे हैं या मनन कर रहे हैं और अरिमतिया का रहने वाले यूसुफ की सेवकाई के विषय में. So let us read this before I make any more comment. और इससे पहले कि मैं आगे जाऊं आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे. मरकुस रचित सुसमाचार 15वां अध्याय 43वां वचन. Joseph of Arimathea, a prominent council member who was himself waiting for the kingdom of God coming and taking courage, went to Pilate and asked for the body of Jesus. अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोता था. वो हियाव करके पिलातुस के पास गया और यूसुफ का शव मांगा. And in our last meditation we found how what brought the secret disciple into a public figure and what courage he has shown. और हमारे पिछले मनन में हमने बात किया था कि कैसे ये अंधेरे में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह का विश्वासी छुप कर रहने वाला विश्वासी सामने आया और कौन कैसे साहस करके उसने एक सेवा को किया. It was the cross and the sight of the cross on which Jesus died that brought the secret disciples into public figure. और ये वो क्रूस ही था और क्रूस पे क्रूसित हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य जो इस छुपे हुए विश्वासी को लोगों के सामने ले आया. And we closed by this statement. और इस वाक्य को कहते हुए हमने समाप्त किया. There are four acts of Joseph that shows he made a courageous commitment to Jesus. कि चार ऐसे कार्य थे यूसुफ अरिमतिया के जो कि अरिमतिया से था जिसने इस बात को दिखाया कि कितना साहसी और अपने विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के लिए वो है. You know my friends, in order to follow Jesus today in this world, a person should display that great courage. और एक यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए एक व्यक्ति को आज के दिन में एक महान सामर्थ को शक्ति को दिखाना है. And we saw that there are five acts of courage that Joseph of Arimathea displayed. और हमने देखा कैसे पांच ऐसे कार्य थे जो अरिमतिया के यूसुफ ने जिसके साहस को उसकी सेवकाई को दिखाते. The first was और पहला कार्य था the courage to make an unashamed commitment to Christ. कि एक ऐसा साहस कि प्रभु यीशु मसीह के प्रति समर्पण को उसने दिखाया. At that particular time it was especially very very noteworthy. और उस समय में तो खास रीति से ये बात बड़ी अयोग्य गिनी जाती. Because among the religious leaders क्योंकि धर्मी या धार्मिक लोगों के बीच में Jesus was a hated figure. वो यीशु मसीह एक घृणा का किया जाने वाला व्यक्ति था. And before the authorities और अधिकारियों के बीच में he was a cursed man. वो एक श्रापित मनुष्य था. And he was rejected और उसका ठुकराया गया. And he was given out a punishment by crucifixion on the cross. और उसे दंड दिया गया था क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा. And the cross therefore those days was a symbol of a shame and curse. और इसलिए क्रूस इन दिनों में चिन्ह था श्राप का और लज्जा या शर्म का. And in order to identify himself with the one who died on that tree. और इसलिए अपने आप को उसके संग पहचान मिलाना कि एक ऐसा जो उस वृक्ष पर उस पेड़ पर लटकाया गया. How did he do it? उसने कैसे किया? By personally taking care of Jesus's body. और उसने व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह की देह को
लिया और उसकी चिंता करी। He took down the body from the cross, और उसने क्रूस से उस यीशु मसीह की देह को नीचे उतारा, wrapped the linen cloth around, और उसके और कपड़े से उसे बांधा, and laid Jesus in his own sepulcher, और उसने यीशु को अपनी ही कब्र में रख दिया। The disciples fled and no one else was there. और ये सारे चेले वहां से जा चुके थे, लेकिन वहां पर कोई दूसरा था ही नहीं। प्लीज टेक नोट ऑफ ईच ऑफ दिस सेंटेंस, कृपया करके इनमें से हर एक वाक्य को आप ध्यान पूर्वक सुनें। एंड ही अपेरेंटली डिड नॉट अंडरस्टैंड ऑल दैट सराउंडेड हिज डेथ, और वो इन बातों को नहीं समझ पाया जो उसकी मृत्यु की ओर घिरी हुई थी, एंड रेजरेक्शन, और उसका पुनरुत्थान, बिकॉज ही वॉज नॉट अमंग द डिसाइपल्स, क्योंकि ये यूसुफ और मथिया नगर से जो था ये चेलों के बीच का। While disciples had no excuse of not knowing these facts, जबकि चेलों के पास कोई बहाना नहीं था कि वो इन सच्चाइयों को ना जान पाए। But लेकिन Joseph of Arimathea believed, यूसुफ जो कि अरमथिया नगर से था उसने विश्वास किया, and courageously acted on that faith, और बड़े साहस के संग उस विश्वास के द्वारा वो आगे बढ़ा। And he was not ashamed. और वो कुछ किसी भी बात को लेकर उसने शर्म नहीं किया। There was all the reason to be ashamed. और उसके पास सारे कारण थे कि वो लज्जा करे। Because he was going to bury a body of a person who was not only considered to be cursed and unworthy. क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति की देह को दफनाने जा रहा था जो कि श्रापित और अयोग्य, ना केवल श्रापित और अयोग्य था। And here is someone who died on the cross. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा था जिसकी मृत्यु क्रूस पर हुई। Now that really took courage. और इस बात के लिए सच में साहस की आवश्यकता। And he thus identified himself with the person of Jesus Christ. और इसके द्वारा उसने यीशु मसीह के व्यक्तित्व में खुद को पहचाना। And secondly, और दूसरी बात, the courage to risk all for Christ. वो साहस कि वो हर एक बात को यीशु के लिए दे दे। Even if it does cost our position, यहाँ तक कि हमारा स्थान भी अगर देना पड़े, prestige, wealth, and life itself, और वो पैसा, उपाधि, आदर, यहाँ तक कि जीवन तक। Remember who this Joseph was. और याद रखे ये यूसुफ कौन है? He was a member of the Sanhedrin. वो तो वहाँ की महासभा का सदस्य था। That was the ruling body of the Jews. और जो कि यहूदियों के बीच राज्य करने वाला महासभा था। By doing what he did, और उसके द्वारा जो उसने किया उसको करने के द्वारा, Joseph risked the favor and the discipline of the governing body. और यूसुफ ने उस खतरे को उठाया कि उस महासभा के सदस्य उसके विरुद्ध हो सकते थे और उसको बाहर किया जा सकता। It was this Sanhedrin which instigated and condemned Jesus. यही वही महासभा है जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया और उसके ऊपर दोष लगाए। And Joseph being a member of the council, और जबकि यूसुफ इस महासभा का सदस्य था, and was sure to face some harsh reactions. वो इस बात को लेकर बड़ा सुनिश्चित था कि ऐसा करने के द्वारा वो कुछ बहुत सारे दुश्मनी को लेगा, शत्रुता को लेगा। And a follower of Jesus Christ, और इसलिए यीशु मसीह के प्रिय अनुयायियों, take note of these valuable lessons from Joseph of Arimathea. कृपया कर इन महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आप ध्यान पूर्वक देखिए और अपने जीवन में लाइए। From some of his fellow Sanhedrin members, और उसके कुछ साथ के जो महासभा के सदस्य थे, and from some of his closest friends, और उनके कुछ खास और नजदीकी मित्रों से, probably he would lose his position. हो सकता था कि वो अपने स्थान को भी खो दे। By doing what he did, उसको करने के द्वारा जो उसने किया। But it seems he didn't care. लेकिन ऐसा लगता है मानो उसे किसी बात की चिंता नहीं। Now that he identified himself with Christ, और अब जबकि उसने खुद को यीशु मसीह के संग पहचाना, he gave himself fully to the Lord. उसने खुद को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए, and he risked all for Jesus. और इसलिए उसने यीशु के खातिर हर एक बात को खतरे में डाला। How about you, my brothers? आपके विषय में क्या कहा जाए मेरे भाइयों? Is there one listening to me this meditation? क्या आप में से कोई ऐसा एक है जो इस मनन को सुन रहा है? Are you holding back yourself from following Christ because you are scared, you are afraid that you may lose? क्या आप भी खुद को रोके हुए हैं
यीशु मसीह के पीछे चलने से, क्योंकि आप डरे हुए हैं कि आप अपना पैसा खो देंगे, सम्मान खो देंगे, स्थान खो देंगे, आदर खो देंगे। Perhaps you may not get any family inheritance. हो सकता है कि परिवार का जो संपत्ति है उसमें कोई भाग आपको ना मिले। You may be considered as an outcast. हो सकता है आपको एक बाहरी रूप से समझा जाए, बाहर बेदखल कर दिया जाए। Willing to take the risk? क्या आप तैयार हैं उस खतरे को उठाने के लिए? In order to follow Christ. ताकि आप यीशु के पीछे चल सकें। That is one of the price you have to pay. In order to be a disciple of Christ. और एक ये वो दाम है जो आपको चुकाना है ताकि आप यीशु मसीह के चेले बनने पाएं। So you choose. और इसलिए आप चुनिए। Whether you want eternal goodness and life or a temporary enjoyment of this worldly pleasures. कि क्या आपको अनंत आनंद और शांति चाहिए या अस्थाई सुख और विलास? And thirdly, और तीसरे आसाह, his courage was demonstrative. कि उसका साहस देखा जा सकता था। Look how demonstrative it was. और देखिए कैसे उसने अपने साहस को दिखाया। He demonstrated a care and affection for Jesus. और उसने दिखाया कि कैसे वो यीशु की चिंता करता है और कैसे यीशु से वो प्रेम रखता है। It is a courage to unashamedly care for the body of Christ. और ये ऐसा साहस था कि बिना किसी शर्म के, बिना किसी लज्जा के उसने यीशु की मरे हुए मृत शरीर की चिंता करी। And he knew that probably he would lose his position. और वो इस बात को भी जानता था कि ऐसे करने के द्वारा हो सकता है वो अपने स्थान को, अपनी उपाधि को खो दे। Today he has a body. और आज के दिन उसके पास एक देह है। The church. वो है कलीसिया। How much are you willing to risk in order to care and nurture the body of Jesus Christ? आप कितना खतरा उठाने को और देने के लिए तैयार हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह की देह, उसकी कलीसिया को पोषण करने पाएं? It's the same thing, my brothers. मेरे भाइयों, ये वही बात है। To identify yourself with the church. कि आप खुद को कलीसिया के संग पहचाने। You may lose certain things. हो सकता है आप कई बातों को खो दें। But I pray that you will love the Lord God Almighty with your whole heart who gave his life for you. लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से संपूर्ण हृदय और आत्मा से प्रेम करेंगे जिसने अपने जीवन को आपके लिए दे दिया। And you are prepared to lose everything else of this world. और आप तैयार रहेंगे कि संसार की हर एक बात को खो दें। In order to reign with Jesus in the world to come. ताकि आप यीशु के संग राज्य करें उस आने वाले राज्य में। Are you willing to risk anything for the sake of building up his body, the church? क्या आप तैयार हैं खतरे में लाने के लिए किसी भी बात को ताकि आप उसकी देह, उसकी कलीसिया को बना सकें? How much sacrifices are you willing to make? कितने बलिदान आप कर सकते हैं? To love the church. कलीसिया से प्रेम रखें। To care for the church. और कलीसिया की चिंता करें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष। Holy Spirit of God. परमेश्वर का पवित्र आत्मा। To do exactly what Joseph of Arimathea did. ताकि वो करें जो यूसुफ, जो अरिमतिया से था, उसने किया। We need the Holy Spirit. हमें तेरा पवित्र आत्मा का आवश्यकता है। Not caring for the things of this world. इस संसार की बातों की चिंता ना करते हुए। Not waiting for the approval of worldly people. और ना कि सांसारिक लोगों के अनुमति को पाने के लिए। And we know that this world will never give us any approval to be a follower of Jesus Christ. और हम जानते हैं कि ये संसार कभी भी हमें अनुमति नहीं देगा कि हम यीशु को अनुयायी। So Lord, may we be willing to risk anything and everything for the sake of Christ and His body, the church, that we may reign with Him. होने दे परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हो ताकि हम अनंत तक उसके संग जी सके। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। द वे जोसेफ ऑफ अरिमथिया डेमोंस्ट्रेटेड हिज करेज, जिस तरीके से यूसुफ जो अरिमथिया से था अपने साहस को दिखाया, अनशेमेडली, बिना किसी शर्म के, केयरिंग फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसने यीशु की देह की चिंता करी। नेवर बी अशेम्ड to identify yourself with Christ
and his body, the church. और कभी भी आप लज्जा में ना आए, शर्म ना करें अपने आप को उसकी कलीसिया, उसकी देह में पहचानने से. And God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. एक महान दिन है. Live for Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए. If you lose certain things, let it go. होने दे, अगर आप कुछ बातों को खो दें तो चली जाए. But don't lose your eternity. लेकिन अपने अनंत को ना खोएं. Amen. Amen.